पंजाब मेल यूएस टीवी देख रहे सारे दर्शकों नूं दस देना चाहते हैं कि समुद्री किनारे फसे प्रवासी भाईचारियों नूं बहुत वड्डी राहत मिल सकती है, खास तौर पर उन्होंने प्रवासियों के लिए जिन्हां दे वीजा की म्याद 19 मार्च 2020 तो 13 अप्रैल 2022 तक शुरू होने वाली म्याद के विचकार पूरी हो गई है। प्रवासी यूनाइटेड सिख कौंसल के चेयरपर्सन संस्थापक राजीव बाजवा ने साडे कानूनी अधिकारों की सही कारना करके समय सिर वरतों की महत्ता को दर्शाया है। सो बाजवा ने हाल ही के आधार पर संसद में एक कानूनी पटीशन दायर की है जिस मानयोग प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने 3 फरवरी 2022 कहा कि 13 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड की सरहदा मौजूदा ऑफशोर अस्थाई वीजा धारकों के लिए खोल दी जाएगियां जो अजे भी संबंधित वीजा लोड़ों पूरा कर सकते हैं। बाजवा ने अगे जिक्र किया है कि हालांकि वैध और वर्तमान वीजा के जुड़िया सरहदी घोषणा उन्हां समुद्री किनारे फसे प्रवासियों के लिए पक्षपाती और बेइंसाफी ने। सो मानयोग जैसिंडा अर्डन द्वारा 19 मार्च 2020 की गई सीमा बंद करने की घोषणा कारण उन्हां दे वीजा प्रभावित हुए ने।